इस प्रयोग में आपको एक कंचे को मेज से बिना हाथ से छुए उठाना है। इसे करने के लिए आपको एक प्लास्टिक का फनल, एक कटी हुई बोतल और दो कंचों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप प्लास्टिक के फनल को लें, ये मध्यम आकार का फनल होगा, और उसका जो ट्यूब वाला हिस्सा है उसको आप काट के अलग कर दें। अब एक तरह का एक बोल बन जाएगा, प्याला बन जाएगा बड़ा सा, जिसके बीच में एक छेद होगा। उसके बाद आप कंचे को मेज पर रखें और उसके ऊपर फनल को रखें। अब फनल को पकड़ करके आप धीरे धीरे फनल को गोल गोल हिलाएं और आप पाएंगे कि कंचा गोल गोल घूमता है और फनल में ऊपर की ओर चढ़ता है, और अगर आप तेजी से घुमाएंगे तो शायद कंचा फनल में से बाहर निकल करके भाग जाएगा। फनल रोकने पर कंचा धीरे धीरे करके नीचे फनल के छेद के अंदर गिर जाएगा। ये देखिए, यहां पर आप दो छोटी बच्चियों को इस प्रयोग को करते हुए देख सकते हैं। अब छोटी बच्ची ने फनल रोक दिया है और उसकी बहन कंचों को अपने हाथ में पकड़ रही है। आप फनल की बजाय एक फूली हुई प्लास्टिक की बोतल से भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके लिए आप 10 सेंटीमीटर बोतल को काटें, बोतल के बड़े हिस्से को कंचे पर रखें और फिर बोतल को पकड़ करके हिलाएं। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कंचा गोल गोल घूमता रहेगा, और जब तक आप घुमाते रहेंगे बोतल को, तब तक कंचा बोतल के अंदर चक्कर लगाता रहेगा और गिरेगा नहीं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और इसको आप एक कटी हुई बोतल के साथ में कर सकते हैं।